नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कौन बनेगा विधायक सेगमेंट में आज हम बात करेंगे बरहरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। यह सिवान जिले में आता है और इसका परिसीमन वर्ष 2008 में ही हुआ था। आइए नजर डालते हैं इस क्षेत्र की राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस वर्ष जदयू विजेता रही। जदयू के टिकट से श्याम बहादुर सिंह विधायक हुए थे। उन्होंने 53,707 वोट हासिल किया था। वहीं उनके विपक्ष उम्मीदवार मोहम्मद जोबीन थे, वे राजद के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे और 28,586 वोट हासिल किए थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर 25,121 रहा था। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस वर्ष भी श्याम बहादुर सिंह का ही दबदबा रहा। वो इस बार भी जदयू का दामन थाम इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। उन्होंने 65,168 वोट प्राप्त किया था। वहीं उनके विपक्ष उम्मीदवार की बात की जाए तो बच्चा पांडे लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, वे 50,585 वोट हासिल किए थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर 14,583 रहा था। बरहरिया विधानसभा क्षेत्र की विकास कार्य को देखा जाए तो सड़क का निर्माण हुआ है, बिजली की व्यवस्था की गई है, स्थानीय निवासियों के लिए पेयजल की भी आपूर्ति हुई है। बड़े कार्य के तौर पर स्टेडियम का निर्माण हुआ है। क्षेत्र में अगर हम चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंडों का समुचित विकास नहीं हो सका है। चीनी मिल बंद पड़ी हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुधार नहीं हुआ है और न ही विकास के लिए कोई विशेष पहल की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो NDA की तरफ से जदयू ने इस बार भी श्याम बहादुर सिंह को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद ने बच्चा पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि श्याम बहादुर सिंह अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। श्याम बहादुर सिंह के कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें वो मंच पर या लोगों के बीच ठुमका लगाते हुए देखे गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुकाबला इन्हीं दो नेताओं के बीच है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।